गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन फिर भी अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है। ताजा मामला अहमदाबाद सेटलाई क्षेत्र का है, जहां पर धड़ल्ले से शराब का कारोबार चल रहा है और माना यह जा रहा है कि अवैध कारोबार पुलिस की मिली भगत से चल रहा है। वहीं जब इस खबर को न्यूज़वर्ल्ड इंडिया की टीम ने कवर करने की कोशिश की तो न्यूज़वर्ल्ड इंडिया के संवाददाता प्रणव सिंह राजपूत के साथ मारपिटाई की घटना को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आपके सामने, जिसके चलते प्रणव सिंह राजपूत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो न्यूज़वर्ल्ड इंडिया अहमदाबाद के इस इलाके में पहुंची और जो अवैध रूप से यहां पर शराब बनाने का कारोबार चल रहा था, शराब बेचने का कारोबार चल रहा था, उसको कवर करने की कोशिश की और वहां पर जो दबंग थे, जो माफिया थे, उन्होंने हमारे सहयोगी से बदसलूकी की है, मारपिटाई की है। तस्वीरें आपके सामने, प्रणव को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मेरे सहयोगी प्रणव, जो कि रात भर अस्पताल में रहे हैं, वो मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रणव, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या हुआ था मौका वारदात पर? जी काजल, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी एक्चुअली मेरा बोलने की वो नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं एडमिट हूँ और खास बात बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से गुजरात में शराब की प्राबंदियां है, गुजरात में शराब बिक्री नहीं हो सकती है, सरकार की तरफ से भी प्राबंदियां है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत से और काफी सारे लोगों की मिलीभगत से शराब के जो बुटलेगर है वो अनलीगल तरह से शराब यहाँ पे बेचते रहते हैं। और मैं सभी ऐसे कार्यों का मैं पब्लिक के सामने आकर उजागर करता हूँ, उनको हाईलाइट करता हूँ, ये लोगों को सामने आता हूँ, तो लोग मुझे टारगेट बना के कितने दिनों से चल रहे थे, लेकिन कल उनका टारगेट मेरे पे अटैक करके मुझे जख्मी करके टारगेट उन्होंने फिनिश किया हुआ है। प्रणव, ये कौन कौन से इलाके हैं जहां पर अवैध रूप से शराब बनाई भी जा रही है, बेची भी जा रही है, क्योंकि गुजरात में तो पूरी तरह से शराब बंदी है? देखो, शराब तो हर एक जगह पे बिक्री हो रही है, लेकिन खास करके जैसे मैं सेटेलाइट की बात करूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वो सैटेलाइट ऐसा इलाका है कि पूरे गुजरात में और अहमदाबाद का पोस्ट इलाका माना जाता है। वही पोस्ट इलाके में सैटेलाइट में शराब बिक्री और जो बुटलेगर है बेफाम शराब बेचते हुए नजर आ रहे, और रात को जिस तरह से जो मैं मेरे फ्लैट में रहता हूँ, वही फ्लैट में बुटलेगर टेरेस पे शराब खुल्लेआम शराब की महफिले मनाते हैं, और रात को 2-2 बजे पुलिस का पोस्टर लगाए हुए वहाँ की लोकल पुलिस, जैसे आनंद नगर पुलिस स्टेशन है, सैटेलाइट पुलिस स्टेशन के लोग पुलिस वाले जो टेरेस पे बैठ के वही बुटलेगरों के साथ शराब की महफिलें मनाते हैं। प्रणव, ये बताइए अभी फिलहाल आप कैसा महसूस कर रहे हैं? फिलहाल एक्चुअली क्या है कि रात को पूरी रात मुझे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, यहाँ के सुपरिटेंडेंट है मिस्टर ज्योति, उनकी तरफ से मुझे काफी सारा हेल्प मिला है, डॉक्टरों की टीम लगातार मेरे साथ खड़ी थी, और मुझे जो चेहरा है, चेहरे के ऊपर मुझे डैमेज किया गया है, मुझे जो नॉस है नाक के ऊपर मुझे डैमेज किया गया है, मेरे पेट में मुझे काफी सारी चोटें आई है, और काफी और जगहों पे मुझे बहुत मारा गया है। तो प्रणव, आपने तहरीर दी है, शिकायत की गई, इस पूरे मामले पे पुलिस के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि पुलिस की मिलीभगत से भी कई ऐसे माफिया हैं जो शराब की बिक्री कर रहे हैं, शराब पार्टियां कर रहे हैं, शराब बेच रहे हैं। जी हाँ, मैं जब जख्मी हुआ, मैंने 108 के मार्फत से मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और तुरंत ही मैंने 108 के द्वारा और मेडिकल जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ सिविल अस्पताल से, वहां पे डायरेक्टली पुलिस में FIR दर्ज की गई थी, और हमारी जो न्यूज़वर्ल्ड इंडिया के दिल्ली की टीम के तरफ से यहाँ के जो DCP है John 7 प्रिंसिपल डेलू, उनको भी बात की गई है, लेकिन किसी भी प्रकार का अभी तक मुझे कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रणव, तो यहाँ पर वो कितने लोग थे जिन्होंने आपके साथ मारपिटाई की है? देखो, मैं आपको बता दूं, ये जो फ्लैट में जो गुटलेगर रहता है उनको सपोर्ट में काफी सारे फ्लैट के और लोग भी हैं, उनमें जो एक्स आर्मी करके है वो महेश परमार करके है, और उनका बेटा था, वो भी जो आर्मी से जो शराब दी जाती है वो अनलीगल शराब
और जो बियर होती है वो अनलीगल बेचता है यहाँ पे, वो भी उजागर करने की काफी बार मैंने, मतलब इलीगल तरीके से शराब बेची जा रही है, शराब परोसी जा रही है, शराब पी जा रही है। प्रणव देखिए, न्यूज वर्ल्ड इंडिया की पूरी टीम आपके साथ बनी हुई है, आप अपना बेहतर से बेहतर इलाज कराइए, ठीक होइए, और इस खबर का हम जरूर पर्दाफाश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ भी मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है कि जो माफिया है वो हावी हो रहे हैं आम जनता पर, क्यों प्रणव? हाँ, सही बात है कि जिस प्रकार से हम लोग गुजरात में करप्शन नहीं करते और उनके सामने आके खड़े रह जाते, वो शराब की बात हो या कहीं और दूसरी बात है, जो जहाँ पे अनलीगल जो चीजें चल रही है उनको उजागर करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं रुकावट डालने का काम ये लोगों की तरफ से। चलिए ठीक है प्रणव, आप अभी आराम करिए, अपना ध्यान रखिए और बेहतर इलाज कराइए। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की पूरी टीम आपके साथ लगातार मौजूद है और उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक होंगे, और इस फिर इस खबर का और हम खुलासा करेंगे, इस खबर की तह तक जाएंगे, जो भी वो लोग हैं, जो माफिया हैं, जो शराब बेच रहे हैं अवैध तरीके से, उसका खुलासा करते हुए हम भी नजर आएंगे।